ये काफ़ी अरसे से समस्या चलती आ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने चार संभाला है और मैं इसी को सॉर्ट आउट करने में लग रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें पिछले साल हमने हाउस टैक्स और कन्वर्जन चार्ज में अभूतपूर्व रिकवरी की है और आगे ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। जो मुद्दत से टैक्स नहीं दे रहे थे उनको एक एक को ढूंढ ढूंढ के हम जो है ये हाउस टैक्स भी और कन्वर्जन भी रिसीव कर रहे हैं, जिससे हमारे निगम की आय बढ़ रही है। दूसरे हमारे आयुक्त महोदय ने कोर्ट में भी इस चीज़ को कहा है, माननीय उच्च न्यायालय में, कि हम अपने सोर्स बढ़ाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ को लीज पे देने की काम और साथ में जो पहले से लीज पे दी हुई है जो पैसे नहीं दे रहे हैं, लीज रेंट नहीं दे रहे हैं, उसका डैमेज चार्ज नहीं दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी हम खंगाल रहे हैं। हमारी पुरानी दिल्ली में इस तरह की काफ़ी प्रॉपर्टी है और जो बिल्कुल डेड प्रॉपर्टी हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, हम उनको भी खंगाल के, चाहे लीज पे देना हो या रेगुलर इनकम का साधन बनाना हो, उस कार में हम आगे लगे हुए हैं। दिल्ली सरकार से जो हमारा हिस्सा मिलता है, जो ड्यू होता है, उसने पिछले 7 साल से रेगुलर वे में कभी भी वो हमारा पूरा हिस्सा नहीं दिया, तो डेफिसिट का एक ये भी कारण है। सन 2007 से आज तक 15 साल से भारतीय जनता पार्टी तीनों नगर निगम में शासित है और इनकी लापरवाही, इनका गैर जिम्मेदारान रवैया, जिसकी वजह से आज नगर निगम दिवालियेपन के कगार पे खड़ी हुई है। लेकिन इन लोगों के, इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। नगर निगम ने 15 वर्षों में इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है कि जिसकी कोई रोक नहीं। आम आदमी पार्टी तो काफ़ी वक्त से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जनता के बीच जाकर, आप सब लोगों से बात करके भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार आपके सामने रख रही है। और ये जो बदहाली का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार, दूसरा कुशासन। इनकी नियत काम करने की है ही नहीं कहीं भी, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करके पैसे कमाने की, अपनी जेब भरने की, अपने अकाउंट को खुश करने की नियत है। यही कारण है कि आज ये 20 साल के शासन में हम श्री को इस कदर यहाँ पे ले आए कि जैसे आप बता रहे हैं कि 4,000 करोड़ तो सिर्फ देनदारी है जो ठेकेदारों की है, कर्मचारियों के एरियर्स है, GPF है, इसके अलावा जो दिल्ली गवर्नमेंट से इन्होंने लोन ले रखे हैं वो अलग है। तो आज इस पोजीशन में ले आए, जिस MCD का बजट ही 6,500 करोड़ है, वो 5,500 घाटे में चल रही है। तो इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, उनका भ्रष्टाचार, उनके नेताओं का भ्रष्टाचार, ये सबसे बड़ा कारण है जो MCD का आज ये हाल है।